हूं। कुछ तथाकथित सनातन धर्म को हिंदू धर्म को गाली देने वाले संगठनों के द्वारा एक दावा किया गया था कि हम 5 मार्च 2018 को 5 लाख दलितों को बुद्ध बना देंगे। और उस दावे को सुनकर के हमने भी उनको चैलेंज किया था कि आप जिस तथ्य को लेकर के, जिस बात को बता करके कि ये हिंदुओं ने हम पर आक्रमण किया था, इन दलितों को बुद्ध बना रहे हैं, इस विषय पर हमारे साथ डिबेट कीजिए। लेकिन किसी ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया, क्योंकि डिबेट के लिए चुनौती हमने दी थी, यदि हमसे कोई संपर्क करता तो हम जरूर जाते। लेकिन किसी ने भी संपर्क नहीं किया, तो हमने ही उनसे संपर्क साध लिया। एक ऐसी जबरदस्त ऑडियो आपको सुनने को मिलेगी, जिसके बाद आपको कई दिन तक कॉमेडी की वीडियो देखने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये पक्की बात है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कितने लाख आदमियों को उन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया। मैं हर बार कहता हूं कि ये कुछ नहीं है, 150-500 लोग होते हैं, इससे ज्यादा इनका कोई औकात नहीं। इनसे ज्यादा दलित हमारे साथ है, मैंने अनेकों बार कहा है। हमारे संगठन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जितने दलित काम करें, इतने कहीं नहीं काम करें, और सारे बुद्धिमान हैं। अपने धर्म के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज, अपने परिवार के लिए अपनी जान भी हथेली पर दे सकते हैं, रख सकते हैं। ऐसे दलित भाई हमारे साथ हैं, और इनके साथ कैसे कैसे दलित जुड़े हुए हैं, जिनको यही नहीं पता, जो बुद्ध धर्मी बने हुए कि सुत पिटक सुटली पाठ, जो इनके त्रिपिटक इनके ग्रंथ है या नहीं, और उनमें लिखा क्या हुआ, इनके घर में भी नहीं है। ये फोटो आप देख रहे होंगे, इस फोटो में मुश्किल से 500 लोग हैं। 5 लाख में से 500 लोग घटा देना, कितनी भारी कितनी बड़ी झूठ है इन लोगों ने बोली है। इससे पता चलता है इनके स्टेज पर जो बुद्ध भिक्षु थे, इनकी मिली भगत से प्रोग्राम किया था, तो कितने बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र ये बुद्ध होते हैं, इससे पता चलता है। कहां 5 लाख, कहां 500 व्यक्ति, और वहां पर फिर सनातन धर्म के विरुद्ध क्या क्या इन्होंने जहर उगला, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, मैं दिखाना सुनाना नहीं चाहता। लेकिन वो ऑडियो, उस फोटो में जो इनका नंबर लिखा हुआ था, उस नंबर पे जब हमने कॉल किया तो वहां से क्या क्या चीजें निकल कर आई। मेरा हर हिंदू सनातन भाई इस वीडियो को, इसकी ऑडियो करके और हर जगह पहुंचा। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी। हेलो हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, कौन सा? मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। बोलिए। अभी आपका कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम सुना था आपके बारे में, कि आपने 5 लाख लोगों को दिल्ली में बौद्ध दीक्षा में, बौद्ध धर्म में जो है दीक्षा दिलवाई है। जी, तो श्रीमान जी, बड़ा अच्छा काम किया आपने, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैं कुछ शंका थी मन में मेरे। बताएं बताएं। ये जो उस समय अपने जो मुख्य जो अतिथि थे, जिन्होंने ये दीक्षा दिलाई लोगों को, उनका नाम है भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आर्य विदेशी कैसे, मतलब नाम है भाई साहब आर्यन नागार्जुन, नागार्जुन सुरेश ससाई है। नहीं, आर्य नाम किसी का कैसे हो सकता है? आर्य तो नहीं है, सुरेश ससाई है। हाँ, तो फिर आर्य कैसे लगाया इन्होंने? अब मुझे तो इस बात की पता नहीं है भाई साहब, ये तो वो ही बता सकते हैं आपको, समझ में। तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ श्रीमान जी। आप ये बताइए, आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिलवाई आपने, आप ये नहीं जानते कि आर्य विदेशी होते हैं और विदेशियों को आप बुलाते हैं, तो कैसे बुलाया आपने? आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं जी। आपको शायद पता नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में अपनी कम्युनिटी, छत्तीसगढ़ में नहीं, उत्तराखंड में अपनी कम्युनिटी के लोग भी आर्य से ज्यादा आर्य लगाते हैं, आर्य कई आर्य लगाते हैं। इसका कारण क्या है श्रीमान जी? आप कारण तो आप उन्हीं से पूछो, वही बता सकते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई, आप मतलब हमारे समाज के नेता लोग हैं। नेता आप लोग नहीं है भाई साहब, हम नेता लोग नहीं है। तो कौन है जी? मैं थोड़ी नेता हूँ, काम आप कर रहे हैं, बड़े चढ़कर हिस्सा आप ले रहे हैं, बौद्ध धर्म में दीक्षा आप दिलवा रहे हैं जो है, तो नेता कौन हुआ फिर बताइए आप? नेता मैं नहीं हूँ भाई साहब, मैं नेता नहीं हूँ। नेता तो
पॉलिटिक्स का काम करते हैं, मैं नेता समाज का काम आप यार भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, नेता वो होता है जो समाज का नेतृत्व करे। और आर्य नाम मतलब खाली आर्य नाम लिखने से खाली वो आर्य नहीं हो जाते, ठीक है। आप शायद उनकी पढ़े हैं, अशोका की जीवनी पढ़े हैं और उनकी जीवनी पढ़े हैं, उनके किले देखे हैं, तो कई जगह उनको भी आर्य से ही संबोधित किया गया है। तो इस आर्य नाम का अर्थ क्या होता है ये बताएं आप मुझे। अब अर्थ होना फर्क है, अर्थ होना ये नाम से किसी को संबोधित करना और ब्रीड होना, दोनों में फर्क है। क्यों जी फर्क है, आपका नाम ब्रजेश है। हाँ ब्रजेश का अर्थ है ब्रज। मेरा नाम केशव कुमार है, ब्रजेश नहीं है। हैं? मेरा नाम केशव कुमार है, ब्रजेश नहीं है। केशव, हाँ जी ब्रजेश मेरी मिसेज का नाम है। हाँ जी बताएं। वैसे आपका नाम ब्रजेश आ रहा है इसमें, ब्रजेश आ रहा है, वो मेरी मिसेज का नाम है, नंबर यही है जो आपने मिला है, नंबर यही है। तो ब्रजेश का अर्थ होता है ब्रज, इस ब्रज का जो नेता जो मुख्य अधिष्ठाता है यानी कृष्ण, घुमा फिरा का ईश ले गए जिसका वो कोई भी नहीं है, ब्रज का ईश, ब्रज मतलब विश्व का ईश, विश्व का ईश्वर है। हाँ यार कमा भाई साहब आप तो ये देखिए, सूत निपात का ये एक ये है, उसमें महात्मा बुद्ध कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं है। अच्छा हो कि आप हमें, आप गौतम हमें पुराने ब्राह्मणों की चर्चा को बतावें, यदि आप गौतम को कष्ट ना हो। ब्राह्मण पूछते हैं महात्मा बुद्ध से कि हे गौतम आप पुराने ब्राह्मणों की चर्चा बताएं हमें, आपको अगर इसमें कोई तकलीफ ना हो तो। तो बुद्ध कहते हैं तो ब्राह्मणों सुनो, अच्छी तरह मन में धारण करो, कहूंगा अच्छा जी कहकर उन धनी ब्राह्मणों ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने कहा पुराने समय ऋषि संयमी और तपस्वी थे, वे पांच प्रकार के विषय भोगों को छोड़कर आत्मोन्नति के लिए आचरण करते थे। ब्राह्मणों के पास न पशु होते थे न हिरण्य तथा धान, स्वाध्याय ही उनका धन धान्य था और वे इस श्रेष्ठ निधि की रक्षा करते थे। ब्राह्मणों के पास क्या नहीं होते थे, न तो पशु होते थे और न ही हिरण्य और धान्य। पशु होते थे, न तो पशु होते थे, पशु नहीं होते थे ब्राह्मणों के पास। हाँ पशु नहीं होते थे। हाँ और पैसे भी नहीं थे। अच्छा और अनाज भी नहीं था। ब्राह्मण आर्य थे, कौन थे, क्या थे? मैं तो ये सूत निपात का श्लोक पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें आर्य कहाँ से आ गए, वो तो छोड़ दिया मैंने। ब्राह्मण आर्य थे, कौन थे, आप ये छोड़ दो। ब्राह्मण वो मैं वो तो बताया नहीं आपने, आर्य कौन है आपने बताया, कहाँ आर्य कौन है? नहीं 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 ब्राह्मण आर्य थे, कौन थे आप ये बताओ। महात्मा बुद्ध बताएंगे ना, वो तो आर्य कौन है? महात्मा बुद्ध अब रखे हैं क्या, आर्य कौन है, उसकी सूत्र निपात नहीं रखी क्या? बात कह दी, अशोका सम्राट अशोका हुआ, बुद्ध के वो जो थे, ठीक है फादर, उनमें कई जगह उनको भी आर्य पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। तो आर्य किसे कहते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ महाशय, आर्य किसे कहते हैं? आज हमारे रहना और आर्य की ब्रीड होना दोनों में फर्क है भाई साहब। सुनिए भाई साहब, हाँ या तो आप हमारे समुदाय को बहका रहे हैं, ठीक है, या आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, ऐसे ही समझ लो, आप जो समझना चाहे समझ लो, या तो आप आर्य शब्द का अर्थ बताइए। हाँ आप क्या कह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, मनुवाद क्या हमारे लोग में नहीं है, मनुवाद बात है, मनुवाद यार मनुवाद कहाँ से आ गया आपस की बातों में, भाईचारे की बात में मनुवाद कहाँ से आ गया भाई साहब? वो ही मनुवाद है, मनुवाद क्या है? नहीं मनुवाद यार आपस की बात है, आपने किसी विदेशी को बुलाया, ठीक है, विदेशी नहीं है वो, विदेशी नहीं है तो आर्य तो विदेशी है ना, नाम कोई भी लग सकता है आर्य, उसमें क्या है? अच्छा वो नाम तो उनका वो है नागार्जुन सुरई ससाई, आर्य तो उन्होंने डिग्री लगा रखी है कि हाँ मैं विदेशी हूँ, नहीं आर्य उनसे पहले है, डिग्री नहीं है आर्य, कोई डिग्री नहीं होती है। अच्छा ठीक है, आर्य डिग्री नहीं होती है, आर्य डिग्री नहीं होती है, ब्रीड और उसमें दोनों में फर्क है। तो आर्य फिर आर्य क्या होता है? आर्य क्या होता है? ब्रीड होती है, आर्य एक ब्रीड है, ब्रीड नस्ल, ब्रीड है, ब्रीड है, नस्ल है, नस्ल है, हाँ नस्ल है। तो आर्य तो बाहर से आए थे ना? हाँ नस्ल है, वो नस्ल है, आर्य बाहर से आए थे ना हो गया भाई साहब, आर्य बाहर से आए थे ना, बाहर से आए थे, और आप कह रहे हैं ना वो नहीं आए थे, वो घोड़े पे आए थे, आप कह रहे हैं पशु नहीं थे, ठीक है, जानकारी नहीं है इसका मतलब, ठीक है मैंने मान लिया आपकी बात, मैं तो वो महाराज मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, मैं तो महात्मा बुद्ध का लिखा बता रहा हूँ, सूत निपात का,
हाँ हाँ महात्मा बुद्ध का लिखा बता रहे हैं, ठीक है। सुतनी पाठ का सुतनी पाठ पढ़ा नहीं आपने इसका मतलब? हाँ मैंने नहीं पढ़ा। हाँ तो फिर मेरी बात सुनिए, मैंने नहीं पढ़ा। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी आपने कहा कि आर्य एक नस्ल है। अच्छा जी, तो आर्य पुत्र अशोक तो वो भी विदेशी हुए ना फिर? भाई साहब कहने से वो हो जाएगा क्या? तो फिर कहने से आपने ब्राह्मण को कैसे बता दिया विदेशी? कहने से आपने आप कहने से कैसे ब्राह्मण को विदेशी बता देंगे? अभी तो आप कह रहे हो कि ब्राह्मण जो घोड़े पे बैठ के आए आर्य आए, ठीक है जी, ब्राह्मण आर्य हैं, आर्य एक नस्ल है, हैं, और अभी आप कहेंगे अशोक आर्य नहीं है, कहने से क्यों हो जाएगा? हाजी हेलो, हाजी हाजी बताएं बताएं। महात्मा बुद्ध कहते हैं चार आर्य श्रेष्ठ, आर्य सिद्धांत, चार आर्य सत्य बताते हैं महात्मा बुद्ध। अब तो इसका मतलब विदेशियों के आचरण बताते हैं महात्मा बुद्ध, यही हुआ ना कि आर्यों के चार सत्य है। आप कहते हैं आर्य तो इंद्रिय झूठे हैं, गद्दार हैं, मक्कार हैं, ये हैं, चोर लुच्चे लफंगे हैं, और महात्मा बुद्ध कह रहे हैं चार आर्य सत्य। अब बताओ किसकी माने? मैं आपको आर्य नाम का और आर्य की ब्रीड का डिफरेंस बता रहा हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, ब्रीड और उसका नाम का। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, आप बाद में बताइए जो कुछ बताना। मैंने आपकी बात सुन ली, पहले मेरी पहले जो सुतनी पहले सुतनी पाठ का जो श्लोक था वो मैं पूरा पूरा पढ़ता हूँ आपके सामने, पूरा वचन पूरा उस पढ़ता हूँ सुतनी पाठ का वचन। महात्मा बुद्ध कहते हैं ब्राह्मणों से कि जो तुम के जो पुराने ब्राह्मण थे वो कैसे थे? महात्मा बुद्ध कहते हैं ब्राह्मणों के पास न पशु होते थे, न धन और अनाज था, स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी ही उनका धन और धान्य था, ठीक है जी, और इस श्रेष्ठ निधि अर्थात इस जो है मतलब अच्छे धन की वो रक्षा करते थे, उनके लिए जो भोजन श्रद्धा से तैयार कर द्वार पर रखा जाता था खोजने पर उसे देने योग्य समझते थे। अब इसका अर्थ ये है, महात्मा बुद्ध यहाँ पे कहते हैं कि जो पुराने ब्राह्मण थे वो उनके पास अपना कुछ नहीं होता था, वो धन धान्य मकान वगैरह नहीं रखते थे, वो केवल पढ़ते थे और पढ़ते ही रहते थे और पढ़ाते थे। अब उनका पालन पोषण कहां से होता था? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं उनके लिए जो भोजन समाज के लोग श्रद्धा से तैयार करके उनको देते थे उसी से वो पेट पूजा करते थे। ये मैं नहीं कहता, ये कोई मनुवाद नहीं कहता, ये सुतनिपात कहता है महाराज, कहीं उल्टी जगह ना ले जाना बात को। अब बता, ठीक है बताओ। अब बताए, अब ये ब्राह्मण तो ये महात्मा बुद्ध तो ब्राह्मणों के बारे में ये कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण आर्य विदेशी हैं, तो किसकी मान? महात्मा बुद्ध ने बहुजन किसको संबोधित किया? अरे महाराज मैं तो ब्राह्मण की पहले बात कर रहा हूँ, बहुजन पे कहाँ चले गए? पहले ब्राह्मण ये ना इस टॉपिक को क्लियर किए बाद में, पहले उस पे बाद में चलेंगे, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने बहुजनों कैसे संबोधित किया है ना? कैसे संबोधित किया है यार, पहले ब्राह्मणों की तो बता दो। हाँ बता, क्या पूछना चाहते ब्राह्मणों? अभी तो पूछा मैंने कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मणों के बारे में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण वो हैं जो न धन धान्य रखते हैं और पढ़ते पढ़ाते हैं सिर्फ। ऐसा है जो आपने पहले पढ़ा है ना, पहले आप उसको मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना, नंबर दे लो, ठीक है। ये क्या बात हुई, आपने पढ़ा नहीं सुतनी पाठ कभी? आपके पास सुतनी पाठ नहीं रखा? आप सुतनी पाठ खोलिए, अपने पास रखा होगा ना? आपके आपके घर में बौद्ध ग्रंथ है या नहीं है? आपके घर में बौद्ध ग्रंथ है या नहीं? नहीं, मेरे घर में नहीं है। फिर आप कैसे बौद्ध हैं? फिर आप लोगों को बौद्ध बना रहे हैं, इसका मतलब आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं, आप लोगों को बरगला रहे हैं कि बौद्ध बनी, ठीक है जी, आप लोगों को कह रहे हैं बौद्ध बनिए। अब मैं आप खुद जानते नहीं, आप हम खुद नहीं जानते, खुद आप अपनी पत्नी के नंबर पे अपना नाम लिखे बैठे हैं, है? मतलब कोई दीदीमान है आपका? नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है हमारा, बिल्कुल नहीं है ना, फिर यही तो समस्या है सारी। आप हमारे समाज के नेता हैं और नेता ही जब ऐसे होंगे तो समाज क्या घंटा चलेगा पीछे? राजनीति में होते हैं रोजगार। बाबा साहब सुनो, बाबा साहब की एक बात याद रखो, बाबा साहब की बात याद रखो, उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, वो लोग आप ही हैं, आप ही हो लोग,
जो समाज को बरगलाते तो हैं लेकिन सही जगह सही रास्ता नहीं दिखाते उनको। अच्छा, दूत निपात आपके घर में नहीं है, त्रिपिटक है नहीं है, त्रिपिटक भी नहीं है, तो क्या है घर में? बाबा साहब का संविधान है वो भी नहीं है, मूर्ति भी नहीं है, मूर्ति भी नहीं है, तो मूर्ति तो खैर आती, वो मूर्ति तो कागज की बनती है, मूर्ति तो रखो, वो तो हमारे दिल में जिंदा है, मूर्ति तो रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं, मूर्ति भी नहीं है हमारी, बताओ। अरे मूर्ति की जरूरत ही नहीं है यार, मूर्ति क्या करना है मूर्ति का? जरूरत कैसे नहीं है, जरूरत जरूरत वालों को जरूरत है, मूर्ति 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 कोई तोड़ देगा खाम खा, बताओ आप लगाओगे मूर्ति कोई तोड़ देगा? मूर्ति की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि मूर्ति पूजा के लिए तो उन्होंने बोला ही नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है। बस तो फिर मूर्ति ना रखो उनकी, कम से कम संविधान तो रखो उनका, उनकी किताबें हैं कोई, किताबें रखी उनकी घर पे नहीं है, और बुद्ध वाले भी बुद्ध के अगेंस्ट काम कर रहे हैं सारे, बुद्ध है? मूर्ति पूजा के लिए बोला ही नहीं है कहीं है। अच्छा मांसाहार छोड़ दिया आपने, आप बुद्ध बन गए नहीं बन गए? आप बुद्ध बन गए नहीं बन गए? बुद्ध ने मूर्ति पूजा के लिए छोड़ा कि नहीं छोड़ा, बोला है कि नहीं बोला? अरे बुद्ध ने तो मूर्ति पूजा का किसी की पूजा के लिए नहीं बोला, ठीक है ठीक है, मूर्ति नहीं है मेरा बुद्ध की। हाँ मूर्ति नहीं है बुद्ध की, मैं मूर्ति के लिए कब बोल रहा हूँ, कम से कम ग्रंथ तो रखो। ग्रंथ पढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, ग्रंथ भी पढ़ लेंगे, नौकरी का फुर्सत मिलेगी तो पहले भाई साहब सुनो मेरी बात, पहले ना खुद को बनाइए, बाद में औरों को बनाइए। हम बने हैं भाई साहब, हम बने बनाए, कहाँ बने? मांसाहार छोड़ दिया, मांसाहार छोड़ दिया, मांसाहार त्याग दिया आपने, मांसाहार बुद्ध ने बोला है मांसाहार के लिए, क्यों अहिंसा के लिए नहीं बोला? अहिंसा के लिए नहीं बोला आपको? अहिंसा मतलब मांसाहार उसके लिए बोला है जो खुद हम भक्षण करते हैं, उसके लिए खुद नहीं भक्षण करना चाहिए, खुद नहीं भक्षण करना चाहिए ना, तो मांसाहार का अर्थ क्या होता है? आहार, मांसाहार, मांस खाना, आप मांसाहार करते नहीं करते? कैसे भी अर्थ लगा लो अपने हिसाब से, आप कैसे भी अर्थ लगा लो, ऐसा तो लगाओगे 50 तरह के होते हैं भाई साहब। आप मांस, आपने मांस खाना छोड़ दिया? नहीं छोड़ दिया। अरे मैं पहले से ही नहीं खाता हूँ यार, पहले से नहीं खाते आप, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। लगाने को कैसे लगा लो? अब मैंने आपको बता दी यार, राधे चिल्ला रहे हो आप, वहाँ पूछो उत्तराखंड में आधे क्यों लगाते हैं अपने लोगों से। भाई साहब अपने लोगों से तो पूछ लूंगा मैं, पहले अपने नेताओं से, आप अपने, आप मेरे लोग नहीं है क्या? आप मेरे भाई नहीं है क्या? नहीं आप मेरे भाई नहीं है क्या? आप मेरे भाई नहीं है क्या? आपने इतने लेक्चर सुना दिए मुझे कि वो है वो है, नंबर मैंने क्या उठा लिया, आपने इतने लेक्चर सुना दिए। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने तो पूछने के लिए फोन किया था, आप बता क्या रहे हैं? कुछ बता क्या रहे हैं कुछ? अब देखिए दिखाइए, मैं मनुस्मृति का एक श्लोक पढ़ता हूँ, उसका बताना आप। स्वाध्यायेन जपे होर में त्रे विद्यायेन जया सुत महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मण्यम कृते तनु। ठीक है, इसका अर्थ अब सुनिए, पढ़ने पढ़ाने विचार करने कराने नानाविध होम के अनुष्ठान संपूर्ण वेदों को शब्द अर्थ संबंध सौरोच्चारण सहित पढ़ने पढ़ाने पौर्णमासी इष्टि आदि के करने पूर्वोक्त विधि पूर्वक धर्म से संतानोत्पत्ति पूर्वोक्त ब्रह्मयज देवयज पितृयज वैष्णदेवयज अतिथियज अग्निष्टोमादि यज्ञ विद्वानों का संग सत्कार सत्य भाषण परोपकार आदि सत्कर्म और संपूर्ण शिल्प विद्या आदि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार में वर्तने से यह शरीर ब्राह्मण का किया जाता है। ठीक है, अब ये मनुस्मृति का वचन है। कौन सी मनुस्मृति है, कौन सी वाले, कौन सी मनुस्मृति? तो एक ही है ना भाई साहब दुनिया में, एक ही नहीं है, आपको पता ही नहीं इसका मतलब, 21 मनुस्मृति है। अच्छा, उसमें क्या फर्क है? हाँ फर्क बहुत कुछ है। क्या फर्क है बताइए आप? संविधान की प्रीएम्बल पढ़ लेंगे ना, शांति स्वरूप जी से कर, बात करेंगे तो उसमें फर्क है। अच्छा, पंथ निरपेक्ष है उसमें, इसमें फर्क बहुत कुछ है संविधान में, जो प्रीएम्बल में लिखा है ना धर्म निरपेक्ष है ये भारत। मनुस्मृति से संविधान से कहा गया यार आपको, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना मनुस्मृति। मैं बताऊँ भाई साहब, मैं बताऊँ आपको एक बात, बुरा ना मानना, मैं बताऊँ आपको एक बात, आप ना किसी ब्राह्मण के सामने 15 मिनट नहीं टिक पाएंगे, आप किसी ब्राह्मण के सामने 15 मिनट नहीं टिक पाएंगे, एक बात पे रुकते नहीं है यार आप, सुतपिटक से कहीं पे, संविधान से कहीं पे, मनुस्मृति से कहीं पे, आर्य से कहीं पे, ब्राह्मण से कहीं पे, यार एक जगह टिक बात करो ना भाई साहब। ऐसे कोई ब्राह्मण आपसे बहस करने लग गया, मेरी जगह कोई ब्राह्मण आगे बैठ गया, किसी ब्राह्मण ने फोन मिला दिया, बहस कर पाएंगे 5 मिनट भी उससे? ब्राह्मण बुद्धि पर करेगा क्या बहस?
क्या? अरे छोड़ यार, खाम खाई बात करते हो यार आप, इसका अर्थ बताओ मुझे। ये कहता है कि देखिए इसमें आखिरी में जो लाइन आया बड़ी काम की आई है, वो कहता है शिल्प विद्या आदि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार में वर्तने से यह शरीर ब्राह्मण का किया जाता है, अर्थात जो जो बुरे कर्म है उनको छोड़कर अच्छे कर्म करने से यह शरीर ब्राह्मण हो सकता है। अब बताएं इसका तोड़ क्या है, इसका तोड़ा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बुरे कर्म छोड़ दिया तो वो शरीर ब्राह्मण हो गया। मेरे पास एक ब्राह्मण आया, मेरी अभी 2 घंटे पहले एक ब्राह्मण से बात हुई, उसने मनुस्मृति का श्लोक दिया मुझे, ठीक है। उसमें उसने कहा कि ब्राह्मण कोई जन्मगत नहीं है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। उसने सबूत में प्रमाण में ये श्लोक दिया मुझे मनुस्मृति का, कहता है कि ये मनुस्मृति का श्लोक है, आप इसे कहीं भी ले जाइए, हर एक मनुस्मृति आप कह रहे हैं 21 तरह की, वो कहता था 2100 तरह की हो सब में श्लोक मिलेगा, ये इससे यह प्रमाणित होता है, साबित होता है, प्रूव होता है कि भाई साहब शरीर ब्राह्मण हो सकता है, ना कि जन्म से होता है मनुष्य ब्राह्मण, कर्म करने से, इससे यह साबित होता है कर्म करने से ब्राह्मण होता है। अब बताइए आप, वो कह के मेरे मुंह पे मार के चला गया श्लोक है ना, खाली इसके वो श्लोक से मान लेंगे हम ये, भाई यार मनुस्मृति का श्लोक है ना, मनुस्मृति ही चलता है सारा मनुवाद, मनुवाद सारा मनुस्मृति ही चलता होगा, मनुवाद सारा मनुस्मृति से ही चलता है ना। हाँ हाँ सब मनुवाद उससे ही चलता है, तो फिर मनुस्मृति का श्लोक मेरे मुंह पे मार के गया वो, एक इसको लोग मार के गया और श्लोक मुंह पे मारते ना आप उसके तक देते तो देव ना, मुझे कहा श्लोक दे दीजिए ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इसी काट दीजिए मुझे, इसकी काट दे उसके मुंह पे मारते ना, स्त्रियों की क्या है और कैसे दिया, क्या दशा है, क्या क्या दिया, क्या क्या बताया, स्त्रियों के लिए उन्होंने क्या लिखा है मनुस्मृति में, स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के लिए उसने लिखा, स्त्रियों के लिए उसने बताया जित्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते देवता, जहाँ नारी का मान सम्मान होता है वहाँ पे सुख समृद्धि वास करती है, ये बताया मनुस्मृति का है। हाँ मनुस्मृति का है, मनुस्मृति का है, व्हाट्सएप नंबर दो, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं आपको बताता हूँ क्या है मनुस्मृति में। भाई साहब यहीं पे बताइए, देखिए व्हाट्सएप में चलाता हूँ, अरे मैं हूँ, सुनिए मेरी बात, मैं हूँ साधा आदमी, व्हाट्सएप नहीं चलाता, व्हाट्सएप नहीं चलाते मेरे पास, एक से लोग मार दिया 99 में से, एक मार भी दिया 99 गलत है, तो एक को सही लेके ही घूमेंगे हम, सही से तो सही उठाओ ना, घूमेंगे सही, सही को उठा लो गलत को छोड़ दो, बहुत बढ़िया बात है, सही क्यों नहीं तो गलत को छोड़ नहीं, बहुत सही बात है। ये बात बताओ, ये बात बताओ, दो तरह की मिठाई है, ठीक है, दो तरह के पकवान रखे हैं एक थाली में, एक कड़वा और एक मीठा, हम दोनों उठाएंगे क्या, हम मीठा मीठा उठाएंगे, कड़वे को छोड़ देंगे, यही है ना मनुष्य का स्वभाव, मनुस्मृति में जो अच्छा है वो उठा दें हम, उसमें तकलीफ क्या है हमें, मतलब आप मनुस्मृति को चाहते हैं कि लागू हो जाए, लागू होने की क्या बात है यार, मैंने ये कब कहा, मतलब आप चाहते हैं जी, इसका मतलब जी आप इतने चाहता हूँ, बताओ चाहता हूँ, मेरे हिसाब से उसमें 1% भी कुछ नहीं है, जहाँ तक मैंने मनुस्मृति पढ़ी है, अब देखो मनुस्मृति है, मैं सब बता दूंगा आपको, हाँ सब बताओ क्या क्या, सब बताओ ठीक है, ठीक उसको दे दो, मैं बता दूंगा कौन मैं, भाई व्हाट्सएप नहीं है मेरा, मैं व्हाट्सएप नहीं चलाता, मैं हूँ नहीं है तो मैं, आपका कुछ नहीं, अरे मैं मजदूर आदमी हूँ भाई यार, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मजदूरी हूँ मैं भी, मजदूर हूँ, तो फिर मैं व्हाट्सएप बनाने का टाइम नहीं मेरे पास, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इतनी बात करने का, जैसे आप कर रहे हैं, आप तो 20 मिनट से कर रहे हैं भाई साहब, आप तो 21 मिनट हो गई, आप तो कर रहे लगातार 21 मिनट हो गई, आप जैसे लोगों से तो करना पड़ता है जब दिमाग मार, और देखो एक बात और बताऊँ आपको, यजुर्वेद का एक और वो कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं बाढ़ में गया वेद, बाढ़ में गई मनुस्मृति, मुझे क्या करना, बाढ़ में गया तू गधे, गधे लोगों को उम्रा कर रहे हो तुम, घर में सुत निपात नहीं, घर में त्रिपिटक नहीं, बाबा साहब का संविधान नहीं तुम्हारे घर में, तुम हमारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हो गधे, नहीं गधे तुम हमारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, बात करने की तमीज नहीं तुम्हें, अपनी औकात पे आ गया ना, अपनी औकात पे आ गया नहीं, बाबा साहब का संविधान है घर में, उतनी बात है, त्रिपिटक है, पढ़ा है कुछ महात्मा बुद्ध का, व्हाट्सएप पे भेज दे, क्या भेज दू व्हाट्सएप पे, पढ़ा होता तेरे को याद होता सब कुछ पता?